ओकाड़ा कैंट यूटिलिटी स्टोर पर आवाम सस्ते घी, चीनी और आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर अमले के हाथों जलीलो ख्वार होने लगे। आवाम का कहना है कि सिफारशी लोगों को सामान दिया जा रहा है। इसी हवाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी बिलाल चौधरी से। जी बिलाल, हाल से आगाह कीजिएगा। जी अब हम आए हैं लेडीज वाली साइड पे, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे जो है उन्हें क्या मसाइल दरपेश आ रहे हैं, वो किस वजह से परेशान हैं, यहाँ पे घी, चीनी, आटा उन्हें क्या मिल रहा है। आइए हम लेकर चलते हैं आपको। ये एक लेडीज है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। जी बीबी, आपको क्या मसला पेश आ रहा है यहाँ पे? भाई हम सुबह 7 बजे से यहाँ पे आते हैं, शाम को 5 बजे खाली जाते हैं। कोई घी मिलता ना कुछ मिलता, कोई राशन नहीं मिलता। मैं दिल की मरीज हूँ, सुबह 7 बजे से यहाँ खड़ी हूँ, मैं घबरा के बाहर निकली आई। आप मरने को इंसान हो जाते हैं, गरीब आवाम इसलिए आती है ना, हमें कोई चीज मिलेगी यहाँ पे। अच्छा, कितने दिनों से आप ये बताएं कि आपको यूटिलिटी स्टोर के अंदर ना घी मिल रहा है, ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है? 2 हफ्ते भाई, 2 हफ्ते हो गए पूरे। 2 हफ्ते से आप लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं हम। तो इनका सलूक कैसे है आपके साथ? बस लेने लगवाते, शाम को बंद कर देते हैं। अभी 6 बज गए, अभी चल ही नहीं रहा, पीछे से सिस्टम नहीं चल रहा। जब चले जाते हैं फिर सब कुछ खत्म हो जाता है बाद में। अच्छा, हमने देखा है, सुना भी है कि ये लेडीज जो हैं उनके साथ सलूक सही नहीं कर रहे हैं, क्या ये सही है? लेडीज को धक्के दिए जा रहे हैं यहाँ पे? जो पहले आते हैं ना लाइन में खड़े होते हैं उनको बाद में पीछे कर देते हैं, जो इनके अपने होते हैं उनको मिल जाते हैं। हम सुबह 7 बजे से घर से आए हुए हैं बगैर नाश्ते के, खाली हाथ वापस जा रहे हैं घर को। सुबह 7 बजे नाश्ता भी नहीं किया था, चल भाई घी मिल जाएगा, ईद अच्छी गुजर जाएगी बच्चों की। गरीब आवाम ऐसी करती है ना बचत के लिए। एक मैं आपको बताता चलूं कि खतरनाक किस्म की सूरत हाल पैदा हो चुकी है। अवाम जो है बचत की खातर, जो इस महंगाई के दौर में अवाम यही सोच रही है कि हमें शायद 4 पैसे यहाँ पे आके बच जाएं, लेकिन इन्हें क्या पता होगा कि आगे आके इनके साथ ये सलूक किया जाएगा, धक्के दिए जाएंगे उन्हें। हुकूमत सोई हुई है मुकम्मल, इमरान खान की हुकूमत हो, नवाज शरीफ की हुकूमत, पीपी की हुकूमत हो, सब सोए हुए हैं, ऊपर वाले लेवल तक सब सोए हुए हैं और नीचे धक्के खा रही है। तो ये आपके सामने आवाम धक्के खा रही है इतनी गर्मी में। मुझे ये बताएं आपको ये कितने पैकेट देते हैं, अगर आपको मिल जाए घी वो तो खुशकिस्मत की बात है ना कि आपको यहाँ से घी मिल जाए कभी कभी। कभी भी मिलते हैं, 2 मिलते हैं। अच्छा, 2 घी की पैकेट लेने की खातर आप पूरा दिन यहाँ लाइन में इतनी गर्मी में आते हैं? जो 1000 रुपया अभी ना कमा तो 500 कमाई हो, वही यूं ही सोचेगा ना भी मैं 300 वाला घी ले लूं, 500 वाला कहाँ से खाएंगे गरीब आम। कितनी देर से आप खड़े हुए यहाँ पे? सुबह के खड़े हुए हैं, 6 बजे के खड़े हैं। ठीक है, तो इन्होंने कोई कुछ भी आपको कहा है आगे आ जाए घी ले लें? अच्छा, मेरा कैमरा मैन आपको दिखा दे, आप जो है मेरी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतनी गर्मी में कैसे खड़े हुए। मीडिया की पूरी टीम यहाँ पे पहुँची हुई है और पीछे देख लें लेडीज़ की एक लंबी कतार लगी हुई है जो कि एक ख़तरनाक अलमिया है अपने हुक्मरानों के लिए। तो किस तरह ये अवाम को जलील कर रहे हैं और ख़ुद मज़े ले रहे हैं। जी जी बहुत शुक्रिया बिलाल चौधरी, आप गेंबड़ ओकाड़ा कैंट से आवाम की आवाज़ बने।